ओमती थाना पुलिस ने असराहनीय कार्य करते हुए चंद घंटे के अंदर एक महिला का गुमा हुआ ट्रॉली बैग ढूंढकर महिला को ससम्मान वापस लौटा दिया, जिसमें सभी सामान यथावत रखा हुआ था। वहीं महिला ने पुलिस को धन्यवाद दिया। जहां थाना प्रभारी वीरेंद्र पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने में प्रिया पाठक निवासी रीवा ने आकर बताया कि उसकी बहन जबलपुर में रहती है। वह रीवा से बहन से मिलने आई हुई थी। वहीं जब वह ऑटो में बैठकर रसल चौक की तरफ जा रही थी, तभी वह अपना ट्रॉली बैग ऑटो में भूल गई थी और ऑटो वाला भी चला गया। जहां महिला की शिकायत पर पुलिस की टीम के द्वारा शिकायत पर तत्काल सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो का नंबर ट्रेस कर ऑटो के मालिक का पता लगाकर उसके घर टीम को भेजा गया, जिससे बैग दस्तियाब किया गया। वहीं ऑटो वाले ने बताया कि उसे भी नहीं पता था कि पीछे बैग रखा हुआ है। वहीं आरक्षक राजेंद्र कुमार ने बैग उक्त महिला को वापस किया, इसमें सभी सामान यथावत रखा हुआ था। वहीं महिला ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सर, हम रसल चौक आधार ताल से रसल चौक के लिए ऑटो में बैठे थे, जहां ऑटो में हमारा बैग छूट गया था। इसके बाद तुरंत हमने यहां ओमती थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके यहां के समस्त स्टाफ और कंट्रोल रूम की सहायता से अभी हमारा बैग हमको मिल गया। इसके लिए हम सबका बहुत आभारी है, पूरे स्टाफ का। कितने घंटे में बैग मिला आपका? सर, 1 बजे की घटना है, अभी 7 बजे हमारा बैग हमको वापस मिल गया। पुलिस का अच्छा काम है। जी सर, बहुत बहुत आभारी हैं समस्त स्टाफ के हम। आपका नाम क्या करती हैं? प्रिया पाठक नाम है मेरा, स्टूडेंट हूँ मैं। यहाँ जबलपुर में रहती हूँ? नहीं, रीवा से आई थी मैं यहाँ दिखाने के लिए जबलपुर हॉस्पिटल में। जी, प्रिया पाठक जी हैं, ये मूलतः रीवा की रहने वाली हैं। इनकी छोटी बहन है संजना, जो जबलपुर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उससे मिलने के लिए आई हुई थी। आज किसी काम से ऑटो में बैठ के जा रही थी, तो रसल चौक के पास में ऑटो में इनका एक काले रंग का ट्रॉली बैग छूट गया था। इनने आगे हमारे थाना ओमती में आके सूचना दी। थाना ओमती के पेट्रोलिंग और चीता स्टाफ द्वारा तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और सीसीटीवी फुटेज डेवलप किए, उसके आधार पे जो ऑटो चिन्हित हुआ, तो उस ऑटो से घर पे पहुँचे और वहाँ से इनका बैग लेके आए। ऑटो वाले का भी कहना था कि बैग धोखे से चला गया था। इस मामले में और हम जाँच कर रहे हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारी जो थाने की चीता और पेट्रोलिंग स्टाफ हैं, इनने बड़ी मेहनत से और तत्काल करीब 3 से 4 घंटे के अंदर उस बैग को ले आए हैं। और जो प्रिया पाठक जी हैं, इनने अपने बैग को चेक कर लिया, इनका पूरा सामान सुरक्षित है, इनको बैग हम सौंप रहे हैं।